अगर आपका इंटरेस्ट है पब्लिक पॉलिसी में और आप सीखना चाहते हैं, आप किसी ऐसी जगह रहना चाहते हैं जहां पर एजुकेशनल एनवायरनमेंट हो, अलग अलग प्रोग्राम्स होते हों, उनका आपको आसानी से एक्सेस मिल जाए, आप एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट थीम को लेकर काम करें और कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन में इंटर्न का मौका मिल जाए, ऐसे अगर आपको 8 महीने का लर्निंग अपॉर्चुनिटी चाहिए सीखने के लिए, तो ये जो फेलोशिप है वो आपके लिए बेस्ट है। हम बात कर रहे हैं संभावना इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी एंड पॉलिटिक्स की, संभावना यूथ फेलोशिप। इस फेलोशिप में अप्लाई करने की जल्दबाजी से पहले आपको इस वीडियो को पूरा देख के समझना होगा और फिर आपको इसको भरना होगा अगर आप पूरी फेलोशिप में अपने आप को अलाइन समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं इस इंस्टीट्यूट के बारे में। सो संभावना इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड पॉलिटिक्स है क्या? 2004 में बने इस इंस्टीट्यूट का पर्पज़ है कि लोगों को आसान भाषा में, लोगों को ऐसे लोगों के द्वारा जो एक्सपर्ट्स हैं, जो ग्राउंड पर काम करते हैं, उनके द्वारा पब्लिक पॉलिसी के अलग अलग पहलुओं, पॉलिटिक्स के अलग अलग पहलुओं को के बारे में जागरूक करना, प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करना। साल में 10 से 15 ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं, एक हफ्ते के, 10 दिन के, जिसमें आप अलग अलग मुद्दों पर काम करते हो, सीखते हो। मीडिया का क्या रोल है, पॉलिटिक्स कहाँ जा रहा है, का सोशल इशूज़ क्या क्या हैं। फॉर्चुनेटली इस इंस्टीट्यूट के एक प्रोग्राम का हिस्सा मैं भी रहा हूँ, तो मुझे इसका डायरेक्ट एक्सपीरियंस है। वहाँ पर एक ऐसा इन्वायरमेंट है जहाँ पर लगातार समाज के बारे में, उसमें हो रहे बदलाव के बारे में, उसमें ज़रूरी बदलाव के बारे में, पब्लिक पॉलिसी कहाँ जा रही है, पॉलिटिक्स कहाँ जा रही है, निरंतर प्रोग्राम्स होते रहते हैं और वहाँ पर ऐसे लोग रहते हैं जो इस पर चर्चा करते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं। तो ये इंस्टीट्यूट को एक या दो फेलो चाहिए, 2 से 3 फेलो की रिक्रूटमेंट है सिर्फ, जो कि उन्हें 8 महीने के टेन्योर में असिस्ट करें इस संभावना इंस्टीट्यूट के काम को। लेकिन उसके साथ साथ आपको इन 8 महीनों में मिलेगा क्या? सबसे पहले संभावना में होने वाले सभी प्रोग्राम में आपको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा ऑलमोस्ट। तो मान लीजिए हर एक प्रोग्राम का कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट 5 to 10,000 रुपीज़ होता है, जो लोग अलग से जाके वहाँ रहते हैं, लेकिन आपको उनका एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। आप पूरे साल भर में इन सब प्रोग्राम से सीख सकते हो, समझ सकते हो, अपनी समझ बना सकते हो। नंबर 2, आपको फूड और एकोमोडेशन फ्री मिलेगा, यानी कि आपको वहाँ रहना और खाना इंस्टीट्यूट की तरफ से होगा। आप 24 घंटे उसी इंस्टीट्यूट में रहेंगे। वहाँ का एनवायरनमेंट, हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में ये इंस्टीट्यूट है, तो एकदम नेचुरल ब्यूटी के बीच में बना हुआ ये इंस्टीट्यूट है। मैं खुद वहाँ रहा हूँ तो मैंने वो एक्सपीरियंस किया है। तीसरा, इस फेलोशिप का स्टाइपेंड है 10,000 पर मंथ, जो आपको सपोर्ट करने के लिए आफ्टर द फूड एंड एकोमोडेशन, तो वो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा। चौथा, आपको एक थीम या एक प्रोजेक्ट पे काम करने का मौका मिलेगा, जिस थीम या प्रोजेक्ट के अराउंड आप इस पूरे फेलोशिप के दौरान काम करोगे, स्पेसिफिक होके, चाहे वो आपके इंटरेस्ट का, चाहे एजुकेशन हो, चाहे पब्लिक हो, पब्लिक पॉलिसी का कोई पार्ट हो, चाहे पॉलिटिक्स का कोई पार्ट हो, या डिफरेंट चीज़। उसके अलावा पांचवी चीज़ है कि आपको 4 से 6 हफ्ते का इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा किसी ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन में, जो संभावना इंस्टीट्यूट की तरफ से ही आपको भेजा जाएगा और आप वहाँ इंटर्नशिप कर पाओ। तो अगर आप 8 महीने के रोलर कोस्टर राइड पर जाने को तैयार हैं विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन ऑफ फंड और ज़्यादा मनी, आपको सस्टेन करने के लिए पैसा चाहिए लेकिन सीखने का ज़्यादा मौका चाहिए, आपको लोग चाहिए, नेटवर्क चाहिए, अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि पब्लिक पॉलिसी कैसे वर्क करता है, पॉलिटिक्स कैसे वर्क करता है, ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशंस कैसे वर्क करती हैं, तो आई थिंक ये जो फेलोशिप है वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। अब आ जाते हैं इस फेलोशिप की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 23 साल से 30 साल की उम्र के लोग जो कि मास्टर्स हों, यानी कि आपका पीजी कंप्लीट होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट या मास्टर्स किसी भी सब्जेक्ट में होना चाहिए, आप इस फेलोशिप में अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं का अच्छा ज्ञान हो, आप इंग्लिश में भी कम्युनिकेट कर पाते हो और हिंदी में भी कम्युनिकेट कर पाते हो, क्योंकि इस इंस्टीट्यूट के जो प्रोग्राम्स होते हैं वो मोस्टली हिंदी और हिंदी में होते हैं, लेकिन कुछ इंग्लिश में भी होते हैं। चौथा जो रिक्वायरमेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट, वो ये है कि आपको इस संस्थान के इन कार्यक्रमों में जो रिक्वायरमेंट्स रहता है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, वो निभानी होगी। जैसे कि मान लीजिए आप कुछ टेक्निकल, जैसे बेसिक कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, जूम आपको आना चाहिए, कुछ बेसिक सोशल मीडिया के टूल्स आने चाहिए, तो इस तरह का एक बेसिक अगर आपको ऑफिस वर्क आता है तो आप इस फेलोशिप में एलिजिबल हैं। अब
इस फेलोशिप का सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है? नंबर वन, आपको एप्लीकेशन भरना है। उस एप्लीकेशन में आपके बेसिक डिटेल्स के अलावा कुछ सवाल हैं, तो वो सवाल क्या है उस पर मैं चर्चा कर लेता हूँ। चार सवाल है मेन तरीके से। पहले, सबसे पहला सवाल है आपके बारे में, आपका एक लाइफ जर्नी, एक शॉर्ट बायो। लाइफ जर्नी का मतलब क्या होता है कि आपका अब तक का जर्नी, जिसमें आप अपने बैकग्राउंड के, अपने नाम, अपना बैकग्राउंड के बारे में आप इंक्लूड करेंगे। आप कहाँ से आते हैं, किस एरिया से आते हैं, कैसे आप ग्रो हुए हैं, आपका एजुकेशनल क्राइटेरिया, वर्क एक्सपीरियंस, और टोटल मिला के आप एक शॉर्ट बायो 200 से 300 वर्ड में क्या बन जाता है। सेकेंड सवाल है कि रीज़न टू ज्वाइन दिस फेलोशिप, आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बोला, मान लीजिए कि अगर मुझे ज्वाइन करना होगा तो मैं देखूंगा कि इस 8 महीने के स्पैन में मुझे पब्लिक पॉलिसी के बारे में, उसके प्रोग्राम्स के बारे में, उसकी इंटीग्रिटीज़ के बारे में फर्स्ट एंड एक्सपीरियंस मिलेगा, सीखने का मौका मिलेगा, इतने सारे प्रोग्राम्स। तो इस तरह के रीजंस डाल के आप रीजन वाला जो क्वेश्चन है वो 200 टू 300 वर्ड में समय करेंगे। तीसरा जो सवाल है कि आप एक अच्छे फेलो कैसे, हम मान लें कि आप एक अच्छे फेलो बनोगे, तो इसमें आप तीन चार चीज़ें हाईलाइट कर सकते हो। सबसे पहला आपका इंटरेस्ट, कि आप क्यों करना चाहते हो इस फेलोशिप को, इसमें जो मिल रहा है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट कैसे है। सेकेंड, आपके अंदर जो स्किल सेट्स है, लाइक जो जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, उसके स्किल सेट आपके भीतर है कि नहीं, आपने कोई एजुकेशनल पढ़ाई किया, एक्सपीरियंस किया। एंड थर्ड, कि ये फ्यूचर में आपको कैसे हेल्प करेगा। तो इन तीन चार पॉइंट्स को लिख के आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। लास्ट है कि कंपोनेंट सी में आप इंटरेस्टेड है कि नहीं। तो कंपोनेंट सी का मतलब, ऊपर अगर आप पढ़ेंगे तो किसी भी एक थीम को लेकर काम करना, तो उस कंपोनेंट सी में आप किसी एक थीम में इंटरेस्ट लेना और वो थीम क्या है वो चीज़ आप मेंशन कर सकते हैं। इस पूरे जो फेलोशिप वो 15 नवंबर से शुरू हो जाएगी, तो अक्टूबर के अंत तक, इन्होंने लास्ट डेट दिया नहीं है, लेकिन वी आप एक्सपेक्ट कि अक्टूबर के लास्ट तक आप अप्लाई कर सकते हो, और उसके बाद इस पूरे सिलेक्शन क्राइटेरिया को फाइनल करके आप 15 नवंबर से इस फेलोशिप को ज्वाइन कर सकते हो। इस फेलोशिप के बारे में संभावना का जो लिंक है वो मैंने नीचे दिया हुआ है, एप्लीकेशन का लिंक भी दिया हुआ है। भले ही आप इस एप्लीकेशन में अप्लाई नहीं भी करते हो, तब भी आपको संभावना के अलग अलग प्रोग्राम्स को चेकआउट करना चाहिए। 5 दिन, 1 हफ्ते, 10 दिन, बहुत अच्छे प्रोग्राम्स होते हैं। आप कम्युनिटी लिविंग में रहते हैं, वहाँ पे जो रहने का एनवायरनमेंट है, वहाँ की जो टीम है, वहाँ के जो एक्सपर्ट्स हैं, रिसोर्स पर्सन है, बहुत ही वैल्यूएबल टाइम है। अगर आप अपने बिजी शेड्यूल से कुछ टाइम निकाल के उनके कोर्स करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ये मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, कोई प्रमोशन नहीं है। आप अपनी तरफ से जानकारी चेक करने के बाद अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आप इस तरह के और दूसरे अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, फेलोशिप्स के लिए देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारे लिंक्डइन से जुड़ सकते हैं आप एनजीओ, सीएसआर और गवर्नमेंट के जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के नोटिफिकेशन के लिए। हम इन फेलोशिप और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में इन्फॉर्मेशन के साथ प्रिपरेशन भी कराते हैं। तो अगर आपको एप्लीकेशन भरने में कोई दिक्कत है, आपका इंटरव्यू है तो मॉक इंटरव्यू करवाना है, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज करके कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आप मेहनत करते रहिए, एफर्ट्स करते रहिए, इन अपॉर्चुनिटीज़ में अप्लाई करते रहिए। Keep taking a step ahead. Thank you so much.